सख्त लॉकडाउन का असर। जयपुर में पुलिस ने 24 घंटे में 4,154 लोगों से 6 लाख का जुर्माना वसूला। अब तक 4,74,00,000 का वसूला जुर्माना। कोरोना वायरस को बढ़ते देखकर सरकार ने सख्त लॉकडाउन की सीमा को बढ़ा दिया है। जयपुर पुलिस भी बिना वजह बाहर घूम रहे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। वाहनों के चालान कर जब्त किया जा रहा है। जयपुर पुलिस बीते 24 घंटे में 4,154 कार्यवाही कर चुकी है। पुलिस ने इनसे 6,31,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। 93 वाहनों को जब्त किया है। कोविड-19 के नियमों की पालना के लिए जयपुर में दिन और रात 378 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। लोगों को जांच करने के बाद ही जांच। वैक्सीन लगाने के बहाने भी निकले तो होगी कार्यवाही। सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन की सीमा को बढ़ा दिया है। वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। पहले शहरों और गाँव में लोग वैक्सीनेशन के लिए बाहर घूमते दिखाई देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि वैक्सीन आपको नजदीकी ही केंद्र पर लगवानी होगी। वैक्सीन के बहाने वाहन लेकर घूमते पाए जाने पर पुलिस चालान की कार्यवाही कर जब्त करेगी। 24 घंटे में की पुलिस की कार्यवाही। सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने पर 505 लोगों से 2,52,000 रुपए का जुर्माना लिया गया है। दुकानों पर बिना मास्क ग्राहकों को सामान देने पर 8 कार्यवाही कर 4,000 रुपए का जुर्माना वसूला। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 301 लोगों से 60,000 रुपए का जुर्माना। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 8 लोगों से 4,000 का जुर्माना। 6 फीट की दूरी नहीं रखने पर 3,082 लोगों से 3,00,000 का जुर्माना वसूल किया गया है।